मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है, लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है, 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी, क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था। और
वहाँ के कामगारों को भड़काया गया था, अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, पीके मरेंगे, एचएल डूब रहा है, देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है।